चलो आज हम एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारी टर्मिनोलॉजी लगता है कि यार सारी एक ही जैसी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा आपने, राइट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। बाद में यू हैव स्टडीड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? फील्ड क्या होती है? कि जहां पर फोर्स ज्यादा रहेगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, राइट। सिर्फ एक क्यू का डिफरेंस था वहां पे, उसका फॉर्मूला क्यू वन क्यू टू, यहाँ पर ओनली के क्यू बाई आर स्क्वायर था, राइट। तो ऐसे ही एक टर्म है पोटेंशियल। कौन से टर्म है भाई? हेडिंग लगाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल अलग अलग प्रकार का हो सकता है, अलग अलग बॉडीज का। जैसे तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुना होगा या पढ़ा भी होगा शायद, ग्रेविटेशन हो गया होगा, राइट। तो चलो देखते हैं भाई पोटेंशियल क्या होता है। मैं इसको तुम्हें एकदम सरल शब्दों में समझाता हूँ पहले, बाद में हम चार्ज वाले पोटेंशियल पे आएंगे, ठीक है? ध्यान से सुना, यू आर अ नीट स्टूडेंट, ठीक है? तुम नीट स्टूडेंट हो। व्हाट इज योर टारगेट टू अचीव? योर टारगेट इज टू अचीव अ गुड रैंक इन द नीट और टू सिक्योर अ मेडिकल सीट, ठीक है? सो इफ यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, अगर तुम अच्छे से स्टडी कर रहे हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो आई विल टेल यू, यू हैव अ पोटेंशियल टू क्रैक द नीट एग्जाम। यू हैव अ पोटेंशियल टू क्रैक द नीट एग्जाम। तो मैंने तुम्हारा क्या बताया? मैंने तुम्हारा एबिलिटी बताया है, एबिलिटी कि तुम कर सकते हो। मैं हर किसी को राह चलते को बोलूंगा कि बेटा यू कैन ऑल्सो क्रैक द नीट एग्जाम, जो 10 फेल है, नहीं, वो उसकी एबिलिटी नहीं है, वो उसका पोटेंशियल नहीं है। समझ आ रही बात? सो यू हैव अ पोटेंशियल, यू कैन क्रैक द नीट एग्जाम, दैट इज योर एबिलिटी। तो एबिलिटी जो होती है ना, वो पोटेंशियल होता है। एबिलिटी जो होती है ना किसी भी बॉडी की, वो हमारा पोटेंशियल होता है। समझ रहे हो कि मैं 50 केजी उठा सकता हूँ, दैट इज माई एबिलिटी। दूसरा कोई नहीं उठा सकता है, ये उसका पोटेंशियल नहीं है, ये उसकी एबिलिटी नहीं है। बट इट, तो अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। क्या तुमने अभी नीट एग्जाम क्रैक कर लिया? नहीं, तुमने एग्जाम क्रैक नहीं किया। आई हैव जस्ट शोन यू द एबिलिटी कि तुम कर सकते हो, यू कैन अचीव। तो ये पोटेंशियल है। अभी तुमने एनर्जी लगाई नहीं है, अभी तुमने वर्कडन किया नहीं है। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, दो बातें बोली है मैंने। तुमने एनर्जी लगाई नहीं है, तुमने वर्कडन किया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने तुम्हारी एबिलिटी शो की है। तो ये एबिलिटी शो करना क्या होता है? किसी भी बॉडी का पोटेंशियल। बहुत अच्छी। अब मान लो तुम एनर्जी लगा रहे हो, प्रैक्टिस करना मतलब फोर्स लगाना, एनर्जी लगाना, और तुमने ऐसे कंटिन्यूसली हार्डवर्क किया, तुमने टीचर का गाइडलाइन अच्छे से सुना, तुमने स्टडी पे फोकस अच्छे से किया, टाइम टेबल मैनेजमेंट सही से किया, और वन डे यू हैव क्रैक द एग्जाम। मान लो तुमने एग्जाम क्रैक कर डाला, इमेजिन करो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल गए, 600 प्लस मार्क्स मिल गए, ठीक है? सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव अप्लाइड सम एनर्जी, तुमने एनर्जी लगाई, जिसके कारण क्या हुआ? वर्क डन हुआ। जिसके कारण क्या हुआ? वर्क डन। नीट एग्जाम क्रैक करना मतलब तुम्हारे लिए क्या है बोलो? इट इज अ वर्क डन फॉर यू। प्रोसेस समझ आ रही है? तो तुम्हारे पास एबिलिटी थी, पोटेंशियल था, तुमने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया और फाइनली वो काम खत्म हो गया, मतलब वर्क डन हो गया। ऐसे ही हमारे पास चार्ज के लिए भी पोटेंशियल होता है, चार्ज भी एनर्जी लगाता है और चार्ज भी वर्क डन करवाता है। देखो आप कैसे। मान लो मेरे पास में एक क्यू नाम का चार्ज है, आप जानते हो उसको हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। कौन सा चार्ज बोलते हैं भाई? सोर्स चार्ज। थोड़ी देर के लिए मान लो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो ये नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने आसपास क्या बना लेगा प्यारे बच्चों? अपने आसपास चार्ज क्या बना लेता है बोलो? फील्ड बना लेता है, फील्ड, राइट, फील्ड। मैंने इसके फील्ड में एक दूसरा चार्ज रख दिया है, दूसरे चार्ज को आप क्या बोलते हो? सर हम इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हम इसको क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट चार्ज। समझ रहे हो? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है? मान लो हमारा जो टेस्ट चार्ज है
वो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ए पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनना और रिलेट भी करना चीजों को जो मैंने समझाया आपको, ध्यान से सुनना और रिलेट भी करना। अगर ये चार्ज के अंदर क्षमता होगी, इस चार्ज के अंदर एबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगा, तो ये इसको क्या करेगा, खींच लाएगा वहां से यहाँ, ऐसे, समझ रहे बात, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मैंने बड़ा मैग्नेट रखा है आसपास, छोटा मैग्नेट रखा है, बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को खींच लेता है, क्यों, क्योंकि बड़े मैग्नेट का वो पोटेंशियल था, वो एबिलिटी थी कि वो कर सकता है। जैसे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, यू कैन क्रैक द एग्जाम, राइट, सो ये कर सकता है। अभी किया है क्या, नहीं अभी किया नहीं है, वो चार्ज अभी भी वही है। तो हम बोलेंगे हमारे सोर्स चार्ज का पोटेंशियल है कि वो टेस्ट चार्ज को खींच के ला सकता है, समझ आ रहा है, आई विल रिपीट, हमारे सोर्स चार्ज का उतना पोटेंशियल है कि वो किसी टेस्ट चार्ज को जो उसके रीजन में होगा, फील्ड में होगा, वो उसको ब्रिंग कर सकता है, खींच के ला सकता है। अब सवाल है कहां से कहां ला सकता है, सर कहीं भी ला सकता है, आर्बिटरी पाथ से। मान लो उसने इसको लाया ए से बी, कहां से कहां लाया, ए से बी, ए से बी। जैसे मैं पूछता हूं तुमने स्कोर कहां तक लाया, तुम बोलोगे सर 720 का एग्जाम था, मुझसे 600 पार हुआ, मुझे 601 मार्क्स आए, समझ रहे बात को, तो तुम्हारी एनर्जी वर्कडन में कन्वर्ट हुई, तुम्हारी एनर्जी वर्कडन में कन्वर्ट हुई, समझो बात को। तो तुम्हारा क्या चेंज हुआ, तुम्हारी एबिलिटी चेंज हुई, तुम्हारा पोटेंशियल चेंज हुआ। जब व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम तुम्हारे पास फुल एनर्जी थी, फिर तुम्हें 3 घंटा एग्जाम लिखा, 600 मार्क्स तुम्हारे क्रैक हो गए फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा पोटेंशियल चेंज हो गया, तुम थक गए हो। ऐसे ही हमारा सोर्स चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने की एबिलिटी रखता है, वो उसका पोटेंशियल होता है, और जब वो उसको ला लेता है किसी दूसरे पॉइंट पर, तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नाम सुना होगा तुमने, क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो बोलो बोलो, तो बोलो पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, टू ब्रिंग, किसको लाना है, टू ब्रिंग, किसको लाना है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहां से, जैसे तुम्हें नीट का स्कोर लाना है, कहां से, जीरो से लेकर 600 तक, ऐसे हौले हौले बढ़ेगी ना, वैसे ही कहां से, ए से बी, क्या हमेशा हर क्वेश्चन में ए और बी रहेगा सर, नहीं, तो बहुत दूर से ला सकते हो, इसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा कहां तक ला सकते हैं, जैसे तुम्हें नीट एग्जाम देना बोला है, तुम ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स ला सकते हो, 720, अरे उससे ज्यादा ला सकते हो क्या, मार्क्स, टोटल मार्क्स ही 720 है, आ रही बात समझ में, तो वैसे ही हमारा सोर्स चार्ज कहां से ला सकता है इसको, तो सर हमारे पास मैथमेटिक्स की भाषा में कोई एक नंबर तो नहीं है, बट हम उसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अरे जब किसी चीज के पास लिमिट नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो मैंने इन्फिनिटी से बी पे लाया उसको, तो देखो कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट इट, टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा फिर से एक बार रीड करो और उसको समझो, उसको रिलेट करो, उसको रिलेट करो, समझ रहे बात को, समझ रहे हो। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि कोई भी सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने की क्षमता रखता है, तो उसको उसका पोटेंशियल बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है भाई, पोटेंशियल। तो डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, बोर्ड एग्जाम में आता है, सो एबिलिटी ऑफ सोर्स चार्ज टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, जहां तक भी बोला जाएगा। आप बोलोगे सर यहां से यहां ला लो, वहां ला लेगी, सी पे ला लो तो सी पे ला लेगी, बी पे बोलो तो बी पे ला लेगी, क्लियर है भाई बात।
क्लियर है क्या भैया बात? ठीक है, मैं इसको पोजीशन वेक्टर आर बार नाम दे देता हूँ, ए बी डिस्टेंस जो है वो आर बार नाम दे दिया मैंने इसको। क्लियर? अच्छा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, डेफिनेशन डेफिनेशन ऐसी होती है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। क्या किया तुमने? वर्क डन किया ना तुमने, किसी चार्ज को ए से बी पे लाना, मतलब क्या करना? वर्क डन। और किसको लाया? टेस्ट चार्ज को। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। याद करो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस सर नो? वैसे ही ये डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो भैया, यहां तक कोई शंका मन में? बहुत अच्छे। तो चलो सिंबल की भाषा में बात करें तो पोटेंशियल का सिंबल होता है कैपिटल वी, वर्क डन का सिंबल होता है डब्ल्यू, और टेस्ट चार्ज का सिंबल होता है क्यू नॉट। तो फॉर्मूला बना, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बात करें यूनिट की तो इसके दो यूनिट है, जूल, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, और दूसरा यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? बोलो बोलो बोलो, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट, वोल्टेज जिसको बोलते हैं। आगे चलते करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी का नाम क्या हो जाता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, सुने हो ना ये नाम? हाँ, बहुत अच्छा। यूनिट बनाने की कोशिश करें हैं अगर, तो जूल का डायमेंशन क्या होता है भाई? एल टू एम वन टी माइनस टू, ये एनर्जी का है ना। और अपॉन कूलम बोले तो करंट इनटू टाइम, करंट के लिए ए वन और टाइम के लिए टी वन लिख देता हूं मैं, बराबर चलेगा? दोनों को कंबाइन कर दो फिर सर। तो बच्चे कंबाइन करेंगे तो मैं पहले लिखता हूँ एल एम टी ए, ए फॉर एम्पियर है। अब ऊपर एल टू है, एम वन है, नीचे का टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा टी माइनस थ्री, और ए का ऊपर जाएगा तो माइनस वन। सो दिस इज अ डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट है भैया? तो ये अभी तक एबिलिटी पढ़ रहे हैं, जैसे तुम मार्क्स ला सकते हो यहां से वहां, जीरो से 600, तो ये तुम्हारा क्या है भाई? पोटेंशियल है, ठीक है, नोट कर लो इतना फटाफट।
चलो भाई कर लिया नोट। ठीक है, तो आई होप तुम्हें बेसिक समझ आ गया होगा कि जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारा पोटेंशियल होता है। जब हम किसी कार्य करने के लिए कोई एनर्जी देते हैं तो वो पोटेंशियल एबिलिटी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में याद रखना बहुत मुश्किल है। करेक्ट, चलो चलो अब दूसरी टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी मतलब वही टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी लिखते हैं, चेंज इन डिफरेंस, चेंज मतलब डिफरेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से फिजिक्स में जो तुम्हारी 2 महीना 4 महीना पहले एबिलिटी थी, पोटेंशियल था, वो कुछ अलग था। तुम्हारे मन में डर था, तुम नए नए 11th में आए कि सर हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे समय के साथ साथ तुम प्रैक्टिस करते जा रहे हो, लेक्चर सीरियसली सिंसियरली देखते जा रहे हो, तो तुम्हारे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। पोटेंशियल में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज हमारी एबिलिटी चेंज। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे, आज हम कर सकते हैं। So that is a change in potential, that is called potential difference. तो वैसे ही जब चार्ज, चार्ज में उल्टा होता है, चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला लेता है तो उसकी भी एबिलिटी चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट? जनरली डिक्रीज हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिखेंगे, और सिंपल है, अब वर्क डन भी डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन भी चेंज हो जाएगा अपॉन क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज तो वही रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें परे बच्चों, तो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। करेक्ट, तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आ सकता है? एग्जाम्पल, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग या फिर इन मूविंग शब्द सही रहेगा, मूविंग ए चार्ज 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी। ए बी डिस्टेंस से दिया है, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ए से बी जाना है तो ए से बी जाने पर हमारा पोटेंशियल चेंज होगा। हमारा पोटेंशियल क्या होगा भाई? चेंज होगा, यस और नो? यस और नो? क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसका सॉल्यूशन। मैं लिखता हूं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से लिखो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से सुनना। ए टू बी फॉर्मूला क्या है? क्यू नॉट, या चार्ज को भी हम क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू कूलम ले लेंगे, कैपिटल क्यू कूलम, कैपिटल क्यू। तो चार्ज का वैल्यू है कैपिटल क्यू, और डेल्टा वी, इस टर्म पे ध्यान देना, डेल्टा वी मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो भैया पोटेंशियल हायर कहां पे होता है? तुम्हारी एबिलिटी हाईएस्ट कहां पे थी?
जब तुमने एग्जाम की स्टार्टिंग की थी, यस और नो, और जब तुमने 3 घंटा एग्जाम सॉल्व कर लिया, अब तुम्हारी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी ना, फील करो इस चीज को, डिक्रीज तो चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हायर पोटेंशियल कहाँ पे है? ए पे है, अभी काम करने की है ना, वी ए माइनस, और कहाँ पे खत्म किया, वी बी, वी ए माइनस वी बी। क्या तुम्हें यह बात समझ आई? तो ये जो वर्कडन किया है, ये वर्कडन है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स ने वर्कडन किया है? इलेक्ट्रिक फोर्स ने। शब्दों पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ए से बी लेकर आता है तो उसका पोटेंशियल चेंज होता है, कितना होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम उस चार्ज को ला रहे थे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर या फिर ए से बी पर, तो बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे। जैसे जब हम एग्जाम लिखते हैं तो हमारे सामने बहुत हर्डल्स आते हैं, अलग अलग हर्डल्स होते हैं। मान लो लाइट चलेगी जिस सेंटर पे दे रहे एग्जाम, हर्डल्स है, या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हर्डल्स है। तो ऐसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस बोला जाता है इनको। तो ऐसे ही जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे खींचते हैं या फिर ए से बी पे खींचते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ फोर्सेस वर्क करती है, जिनको हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल फोर्स। तो कंफ्यूज मत होना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय इलेक्ट्रिक नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रिक नहीं, कौन? एक्सटर्नल फोर्स। अब ऑब्वियस बात है, ये हमारे अपोज में है तो इसको साइन नेगेटिव लगा दोगे, माइनस। तो बोलो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसका फॉर्मूला आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्कडन का फॉर्मूला है उसमें वी इनिशियल माइनस वी फाइनल है। देखो, ए इनिशियल, बी फाइनल, और एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, नेगेटिव, नेगेटिव, राइट। तो जैसे तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम सही जाते हो और अचानक तुम्हारे मन में थॉट्स आते हैं कि यार हम गलती कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये ऊपर नहीं नीचे आएगा, ये फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, नेगेटिव थॉट्स है, इनको सरपास करना चाहिए और जैसे चल रहा है मन की शक्ति से चलना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, नेगेटिव, नेगेटिव। देखो, इन दोनों को सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये माइनस है ना यहाँ पे, माइनस। गॉट इट? वो तो भैया कोई डाउट इसमें, छोटा मोटा सा डाउट होगा तो पूछो। तो आई होप यू आर क्लियर विद द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको तीन रास्ते देता हूं ए से बी जाने के, एक स्ट्रेट पाथ है, एक आर्बिटरी पाथ है और एक ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ है, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री। फॉर एग्जाम्पल, हमने चार्ज को तीन पाथ से मूव किया, पहले पाथ आर्बिटरी था, दूसरा पाथ स्ट्रेट था, तीसरा पाथ कुछ तो भी अलग था, कर्वीलिनियर या सर्कुलर। क्या इन तीनों पे ले जाने से पोटेंशियल सेम होता है या डिफरेंट होता है? देखते हैं। क्यू चार्ज को लेके गए हमने, क्यू चार्ज को, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कौन सा फंक्शन दिख रहा है तुम्हें? पाथ फंक्शन है, इज इट अ पाथ फंक्शन? पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। समझ गए बात को? सो इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब तीनों रास्ते का जो वर्कडन है वो सेम रहेगा। कैन आई टेल लाइक दिस? वर्कडन इन पाथ वन, वर्कडन इन पाथ टू एंड वर्कडन इन पाथ थ्री।
अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर समझा होगा, तो ऐसा ही फिगर मैंने आपको बताया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिन्होंने वर्क डन पढ़ लिया है। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होती है, फील्ड बनाती है अपने आस पास। वहां जाकर देखना, सेंटेंस लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। राइट, दिख गया है तुम्हें। तीनों का फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। बट इट रीजन वही है, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। जिनका वर्क एनर्जी पावर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल टेंशन मत लो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तुम्हें पढ़ाया जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है इतनी? उतार लो फिर जल्दी से, जल्दी जल्दी उतार लो इसको। हाँ, एक और पॉइंट वहां लिख लो कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लो वहां पे, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। थैंक गॉड ये स्केलर है, ज्यादा वेक्टर का टेंशन नहीं हमें। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन देखो, काम खत्म करो। कर लिया भाई? ओके सर, तो आई होप यू आर क्लियर विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हें बुक्स में फॉर्मूला तो मिल जाएगा, तुम्हें ये भी मिल जाएगा, बट तुम्हें ये फील नहीं मिलेगा जो मैंने अभी तुम्हें दिया है कि भाई एबिलिटी, हमारी जो काम करने की क्षमता होती है वो पोटेंशियल होती है। जब हम वो कार्य स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम एनर्जी बोलते हैं, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको वर्क डन बोलते हैं। ऐसे याद रखने का कि भाई हमने एडमिशन लिया, हमारे अंदर एबिलिटी है, हम नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, सो दैट इज अवर पोटेंशियल। फिर हमने अच्छा हार्डवर्क किया, हमने अच्छा गुड वर्क किया, हमने प्रैक्टिस की, हमने फॉर्मूला पे फोकस किया, हमने थ्योरी पे फोकस किया, हमारा काम बन गया, हमारा एग्जाम क्रैक हो गया। इस बीच हमें हर्डल्स भी आए हैं, जैसे अभी हम हर्डल्स में जी रहे हैं, ठीक है। कोरोना पैंडेमिक वॉज द बिगेस्ट हर्डल, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, माइनस साइन लग जाए, हमें उस पर सरपास करते चलना है, उसको तो कम करते चलना है। जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा, एक बार याद रखना। जैसे मैंने फ्रिक्शन के समय भी बात समझाई थी कि फ्रिक्शन है तो लाइफ है, नो फ्रिक्शन नो मोशन, समझाया था मैंने। फ्रिक्शन ही नहीं, जीरो फ्रिक्शन बॉडी स्लिप होते जाएगी वहीं के भी, तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी, बट वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस फ्रिक्शन में हम अटक जाए और चलना पाए। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, दिमाग पे टेंशन जरूरी है, लेकिन एक पॉजिटिव टेंशन होना चाहिए, नॉमिनल सा टेंशन होना चाहिए, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और हाइपर टेंशन वाला टेंशन लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, नो वन कैन यू। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस आई हैव एवर सीन, इसीलिए रादर देन सीइंग अ मोटिवेशनल वीडियो, स्टार्टिंग में मोटिवेशनल वीडियो देखना या मोटिवेशनल लेक्चर बोलना या किसी सर से, या मैं तुम्हें मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ या कोई और टीचर देता है, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कुछ समय तक के कंटिन्यूस अगर इसकी हैबिट लग जाएगी तो इट्स लाइक अ मेडिसिन, कि जब तक कोई टैबलेट लोगे नहीं तुम्हें मोटिवेशन आएगा नहीं। एक बार लिंक लग जाए, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मेडिसिन जिसको बोलते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें बोला है हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच 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 वर्क will be done, कितना वर्कडन होगा in bringing a charge, in bringing a charge, in bringing a charge of 400 microcoulomb, 400 mu c from infinity कहां से लाना है उसको, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, टू पॉइंट कैपिटल पी,
इन ए रीजन, इन ए रीजन ऑफ फील्ड, हाँ ये बात याद रखना, फील्ड में ही ला सकते हैं, फील्ड में ला सकते हैं. गिवन दैट, गिवन दैट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये अच्छा सवाल है, पॉइंट पी इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये अच्छा सवाल क्यों है? सवाल तो ये बहुत इजी है, हो सकता है इतना इजी एग्जाम में भी ना आए, लेकिन इससे तुम कुछ सीखोगे. क्या सीखोगे? देखो अभी, देखो देखो अभी प्यारे बच्चों, देखो, हाउ मच विल वर्क विल बी डन, कितना वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकुलम. कमेंट करके बोलो 400 माइक्रोकुलम सोर्स चार्ज है कि टेस्ट चार्ज है. ब्रिंगिंग मतलब लाना है, उसको लाना है, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, समझ रहे हो बात को, ये हमारा टेस्ट चार्ज है. तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज की वैल्यू 400 माइक्रो, माइक्रो बोले तो माइनस 6. कहां से लाना है प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी से पी पर. तो मैं ड्रॉ करके बताता हूं, ये मान लो मेरा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, मैं इसको ए पॉइंट नाम दे दूं वरना हम कंफ्यूज हो जाएगी, मैंने तुम ए और बी से सिखाया है. और कहां पे लाना है, कहां पे लाना है भाई? पॉइंट पी पे लाना है, पॉइंट पी, मैंने इसको बी नाम दिया था, मैं इसलिए इसको बी नाम देता था, समझ रहे हो बात को, कौन सा चार्ज ला रहा है क्या ला रहा है, दैट डजंट मैटर, इतना टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे. अब देखो, पी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें दिया है, यहां पर पी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें दिया है, वीपी इज इक्वल टू, ये दिया लास्ट में 20 वोल्ट है, पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव लिखना, स्केलर क्वांटिटी है. और बोला कितना वर्क डन होगा, तो मैं लिख देता हूं वर्क डन कहां से कहां लाने पर, इन्फिनिटी से पी, इन्फिनिटी से पी, समझ रहे हो बात को, क्लियर भाई? चलो फिर ठीक है, देखते हैं, देखते हैं सर, इन्फिनिटी से पी, तो भैया हम वर्कडन का फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी मतलब क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी, यस सर नो? हाँ, अब ध्यान से देखना, क्यू नॉट, अब डेल्टा वी कैसे लिखना, तो डिपेंड करता है कौन सी वर्कडन पूछा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है. तो यहाँ शब्दों में लिखा है हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क डन हुआ, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एक्सटर्नल, नहीं तो वहां लिखकर आता था कैलकुलेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ रहे हो वर्क, यहां मैं लिख देता हूं कि भाई वर्क डन बाय क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, समझ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ नहीं लिखा है, मैकेनिकल फोर्स जिसको बोलते हैं. तो उसमें वी बी माइनस वी आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद है, वी बी माइनस वी ए. तो बोल बच्चे बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये दिख रहा है बी पॉइंट, बोले तो पी पॉइंट है हमारे लिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ वी पी माइनस V infinity according to question, VP और ये V infinity. तो भैया Q naught का वैल्यू कितना है, 400 माइक्रो, VP P पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है. दैट्स इट, काम खत्म. ये हो जाएगा 4 to the 8 और +3 -6, ये हो जाएगा -3 जूल. तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने पर हमारी एक्सटर्नल फोर्स ने कितना अपोजिशन दिया, वर्क डन किया, +8 × 10⁻³. अब तुम खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा उसको लाने के लिए, इसका नेगेटिव, इसका उल्टा आंसर आएगा,
-8 10 की पावर -3। अरे समझा गया, अरे समझा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, -10 की पावर -3। और याद रखना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। 99% तुम क्वेश्चन देखोगे पोटेंशियल जो है वो तुम्हें नेगेटिव दिखाई देगा, वर्क डन जिसको नेगेटिव। बता भाई कोई कंफ्यूजन इसमें? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसका एक छोटू सा शॉर्टकट भी बताता हूं, हालांकि खुद भी क्वेश्चन एक शॉर्टकट ही है लेकिन फिर भी ले लिया। चलो अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखो अब इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है देखो। अभी तुम्हें मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कि कहां से क्या लाना, फिगर कैसे ड्रॉ करना, ऐसा वैसा वैसा तैसा, लेकिन जब तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, हमें तो एक मिनट में सॉल्व करना है सर, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। देखो जब तुम सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें पता आ जाएगा इन्फिनिटी से लाना है, जहां से ला रहे हैं वहां का पोटेंशियल तो जीरो हो गया, वहां का तो टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो, वो टेंशन छोड़ दो। इन्फिनिटी कहां पर लाना है, पी पॉइंट पर, पी का पोटेंशियल कितना है 20, मतलब एक ही पोटेंशियल आएगा फॉर्मूला में, जो डेल्टा है ना डेल्टा एक ही आएगा। सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, खत्म खत्म। एक वैल्यू इन्फिनिटी है ना, मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो है, तो माइनस प्लस करने का कोई सवाल ही नहीं, खत्म। 400 माइक्रो × 20 वोल्ट, ये देखो एक स्टेप में आंसर आ गया। वर्दी शॉर्टकट, लेकिन मैं तुम्हें अभी शॉर्टकट पहले बताता तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली क्या हुआ। तुम्हें लगता था बस ये फॉर्मूला लगाओ, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा लिखा होता है और आंसर आ जाता है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो कैसा लाया गया, किसने पॉजिटिव काम किया, किसने निगेटिव काम किया। और यहाँ पॉजिटिव मीनिंग निगेटिव का मीनिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई पॉजिटिव मतलब उसने सही डायरेक्शन में काम किया, अब निगेटिव मतलब उसने फ्रिक्शन दिया होगा, नहीं। क्यों, चार्ज में भी तो पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, समझ रहे हो बात को, चार्ज में भी क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो कभी कभी वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण भी आ जाते हैं। देखो आगे चल के जैसे आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय R। अब ये कल का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, -KQ बाय R। तो आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि ये वाला पोटेंशियल और ये वाले पोटेंशियल एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, नहीं। वो पॉजिटिव निगेटिव बताता है कि एक में अट्रैक्टिव फोर्स है और एक में रिपल्सिव फोर्स है, दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में होती है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कॉमन भाषा है, इसमें कोई संकोच नहीं है। बताओ भाई, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। ओके चल, मैं एक और सवाल लेता हूं ताकि तुम्हारा आज पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चलो भाई देखो प्यारे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। टाइम तो रनिंग आउट हो रहा है अपना, ठीक है।